सभी साथी बच्चे रखे कर रहे, सभी साथी बच्चे रखे कर रहे, अपने सबसे सबसे रखे कर रहे। सबसे पहले आप सबको
बारिश थी तो बारिश ना होती तो इतनी ऐसा दिखती कि कोई मैं कह रहा हूँ अभी भी नवनिरी मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रगति में हम भी सरकार भी देखी है विपक्ष भी देखा है मैं भी 20 साल से लगातार पटौदी में आता जाता रहता हूँ लेकिन आज जो पटौदी में ये नजारा जो मैं देख रहा हूँ मैं समझता हूँ इतिहास आपने रखने काम किया है और ये यहाँ से जो विधायक हमारे कुलदीप भट्ट जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब तो पटौदी लगता है कि बादली से कंपटीशन में आ गया पटौदी ऐसा लगा दिखाई दे रहा है आज ये दिखाई ऐसा दे रहा है तो ये और मैं देख रहा हूँ खास तौर पर मैं बधाई देता हूँ कि हमारी माताएं और बहनें इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं और बहनें आई हैं आज इस प्रोग्राम में इतिहास रचने का काम पटौदी ने किया है मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी माताओं और बहनों को आपने जो आज मेहनत करी है जो पसीना बहाया है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा बहुत जल्दी हरियाणा में बदलाव लेके आएगा और हरियाणा में तो बदलाव का शंखनाद बीजेपी ने ही कर दिया हम क्या करें बीजेपी ने ही कर दिया आपने देखा चुनाव से पहले इन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये आया कि सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि चुनाव से 1-2-4 महीने पहले इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला प्रदेश अध्यक्ष अपना उप मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री और अपने मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम किया बदला कि नहीं बदला अरे 10 साल तक जो जिनके हाथों में सौंप रखी थी आपने सत्ता की चाबी जिन्होंने हरियाणा का बट्टा बिठा दिया जब बट्टा बैठ गया 10 साल में तो आखिरी 10 दिन में आप क्या मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री बदलोगे अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी बीजेपी वालों आपने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का और ये हमारा ये इलाका ये तो विकास का प्रतीक इलाका होना चाहिए दिल्ली के साथ बसा हुआ ये इलाका हमारा इलाका आज हम पटौदी में आ रहे हैं सड़कों का हाल देखो टूटी हुई सड़कें नहरों में पानी नहीं कहीं पीने के पानी की सप्लाई की दिक्कत कहीं पानी की निकासी की दिक्कत विकास का कोई एक कार्य कोई एक काम विकास का ये बताएं जो विधायक हैं विकास का कोई एक परियोजना पटौदी में आई हो एक आई नहीं जो हमारे समय की मंजूरशुदा योजनाएं थी डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला में वो आज गुजरात में चलेगी बता रहे हैं केवल यहाँ पे पत्थर रह गया यूनिवर्सिटी वहां चली गई ऐसी स्थिति बन गई जो जहां जो खेल का पैसा भी गुजरात चला गया मैं समझता हाँ जी और निगम आया यहाँ लूटने के लिए ये सब जानते हैं निगम क्यों बनाया इन्होंने सब जानते हैं अगर निगम बनाया होता जनता को अधिकार देने के लिए तो चुनाव कराते अभी तक चुनाव भी नहीं कराया निगम के ना गोदामों का कराया ना मानेसर निगम का कराया कई कैंडिडेट तो घूम घूम के घर वापस बिठा बैठ गए यही हुआ कि नहीं हुआ चुनाव क्यों नहीं कराया जनता से इतना डर गए और केवल खिलाड़ियों का अपमान नहीं खिलाड़ी बेटियों का नहीं हर वर्ग का अपमान हमारी बहन बेटियां वो खिलाड़ी जो मेडल लेके आती हैं आज भी 6 मेडल आए देश के 5 उसमें से हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हमारा सबका नाम पूरी दुनिया में हमारा जब तिरंगा ऊपर हुआ तो हमारा सबका नाम ऊपर हुआ कि नहीं हुआ मैं पूछता हूँ अब इन खिलाड़ियों से फोन लेकिन जब खिलाड़ी हमारी 6-6 ओलंपिक खिलाड़ी विजेता बेटियां बैठी थी अपने आप के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी तो उनके फोन नहीं सुने गए उस समय इनके फोन नहीं सुने अब इनको फोन देके बधाई दे रहे हैं हमारी बेटियों की खिलाड़ियों का अपमान सरपंचों का अपमान सरपंच अपने अधिकार को हक मांगने गए थे चंडीगढ़ क्या बनी सरपंचों के साथ कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए थे क्या बनी कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों पर लाठीचार्ज आपने देखा अहीर रेजिमेंट की मांग लेकर आज तक उनकी आवाज उन नौजवानों की आवाज दबाने के लिए पुलिस की आज तक काम चली गई अहंकार इतना हो गया
पहले एसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया गया और उसके बाद बाबा साहब के संविधान को ललकारा गया। बीजेपी ने कहा कि 400 पार का नारा कि हम संविधान को कुचल देंगे और उसके बाद लोगों ने बीजेपी के घमंड को कुचल दिया। वो 400 पार का नारा बीजेपी का अल्पमत की सरकार है, जैसे हरियाणा में ये बीजेपी भाजपा ने लोगों ने तो भाजपा के अहंकार को पे चोट मारने का काम किया, 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। बाबा साहब के संविधान जैसे 10 साल से पहले चल रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की इस तानाशाही को बीजेपी की तानाशाही को वोट की चोट से आप जवाब। आज अहंकार इतना कि हम जब हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल हरियाणा का वोटर क्यों बैठा, 10 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, 10 साल सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों, 10 साल के बाद सबसे ज्यादा अपराध और सबसे ज्यादा क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों, आज गरीब आदमी की स्कीम्स को क्यों बंद किया। जब हम ये हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेने वाले हैं। ऐसा अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, अहंकार तो किसी का नहीं टिका है। देखो भाई, अहंकार तो किसी का टिका नहीं है। मानेसर में 200 दलित परिवारों को नोटिस भेज करके जो आजादी से पहले से बसे हुए जो दलित हमारे परिवार हैं, 206 मकान जो आजादी से पहले बसे हुए थे, वहां पे नोटिस भेज रहे हैं। और आईएमटी मानेसर में जबरदस्त जमीन अधिकरण में किसान कितने लंबे समय धरने बैठे हैं, उनकी हम सुनवाई नहीं हो रही। जो 100 गज के प्लॉट जो हुड्डा सरकार में आवंटित किए गए थे एसी समाज के, ओबी समाज और बीपीएल के परिवारों को, वो उनको आज तक उन प्लॉटों के कब्जा नहीं दिया गया है। और निगम में वो आगे वो गांव तो उन पर ये तलवार लटक गई। और ये जो कई गांव की जो कासन और कई गांव की जो हमारे 1800 एकड़ की जो भूमि अधिग्रहण की जो एक इतना लंबा धरना चल रहा है, ये अब तक ये जो ये वाल्मीकि समाज को जो प्लॉट मिले थे आज तक उनको पोजेशन नहीं मिली है। आज ये ना उनको आज तक पोजेशन नहीं मिली है। ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, ये हम 90 के 90 विधानसभाओं का भी हम एक अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसमें जो जो बातें आज आपके बीच में इसीलिए हम आए हैं, ये सारी बातें उसमें रखेंगे। और ये तो ये पोजेशन भी आपने जो कहा है जो 1956 से मगर आप रह रहे हैं, लेकिन पोजेशन का सर्टिफिकेट नहीं आपका करवाना काम करेंगे वाल्मीकि समाज के लिए। यहाँ पे अपना पोजेशन वाला भी आपका काम करवाने का काम करेंगे। और बिलासपुर का फ्लाईओवर हमारे समय का, वो समय ये प्रस्तावित, लेकिन आज तक उस पर क्या हुआ आप देख रहे हैं। बताओ भाई, बिलासपुर का फ्लाईओवर पे वो जो हमारे समय में प्रस्तावित था, 10 साल में क्या किया इन्होंने भट्टा बिठाने के अलावा? किसी गांव में कोई काम विकास देखा आपने? किसी गांव में भट्टा देखा? तो भाई इसीलिए बीजेपी से हिसाब तो लेंगे, हिसाब भी लेंगे। हाँ जी, हाँ तो भाई ये भाई देखो, इतनी लंबी चौड़ी की सारी बातें हैं, ये सारी बातें एक एक बात आपकी हम जो हल्के वाइज और हरियाणा के लिए जो फैसले हमारे, आपको पता है क्या फैसले हरियाणा के लिए? सबसे पहली कदम से क्या करेंगे? सबसे पहले देखो भाई, जिस दिन सरकार बनेगी सबसे पहले देश में सबसे ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम। पेंशन के लिए किसी को डीसी ऑफिस जाने पड़ेंगे। ये जो इन्होंने सिस्टम बना दिया,
पोर्टल और आईडीओ का जन विरोधी पोर्टल और जन विरोधी और जन सुविधाएं लेने के लिए लोगों को अफसरों के चक्कर में काटने पड़ेंगे, अफसरों को जन सुविधा देने के लिए लोगों किसी का अंगूठा नहीं मिलता। मैं नारनौल में गया नांगल चौधरी में एक गांव में नांगल चौधरी में बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी। नांगल चौधरी साहब कुछ बोलते हैं, उस दिन कौन साहब था जो नांगल चौधरी हम चले थे? ये रेवाड़ी के कुछ साथी साहब थे, ये चंद्रबान भी, ये 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत होगी वो चक्कर काट रहा है, चार चार चक्कर काट दिए, मगर जितनी पेंशन मिलती किराए में, और किसी का नाम की स्पेलिंग गड़बड़, किसी का अंगूठा नहीं मिला वो गड़बड़, किसी का राशन कार्ड में गड़बड़ी, और राशन डिपो इतना दूर कि अपना राशन डिपो पे जाते हो तो अपना किराया लगा के राशन डिपो पे, गरीब आदमी के दुख से सरकार को लेना नहीं है, हर गरीब आदमी को जन सुविधाएं देना सरकार का काम है, उसके घर पे जाके जन सुविधाएं, पेंशन हो या राशन हो, गरीब आदमी को उसके घर पे होम डिलीवरी कराने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। आज मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे, जो अधिकारी चक्कर नहीं काटेगा ये हमारा संकल्प है। और भाई ये जो आज अदानी जैसे बड़े उद्योगपति बिजली के घरानों से समझौते करके देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर, तो ये महंगी बिजली जाएगी और 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने का भी हम काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट की स्कीम गरीब आदमी के लिए दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और मकान मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 10 साल में इनकी सरकार में, क्योंकि 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी खत्म कर दी कांग्रेस की और इंदिरा आवास योजना की स्कीम भी खत्म कर दी, 10 साल में कोई मकान आया किसी गांव में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी गरीब आदमी कोई मकान नहीं आया? तो ये मकान की स्कीम भी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी शुरू करेंगे और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का मकान गरीब आदमी के लिए पास कराने का इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी जी के नाम से कांग्रेस पार्टी हम शुरू करने का काम करेंगे, ताकि जरूरतमंद को जिसकी छत तपकती है वो जानता है, उसका दर्द वो जानता है, जरूरतमंद के पास मकान की व्यवस्था हो सके। मिड डे मील आपने देखा है, मिड डे मील ही नहीं, सफाई कर्मचारी हो, मनरेगा हो, मिड डे मील हो, ये सारी योजनाओं पे गहन लग गया बीजेपी का। तो ये जो मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मचारी और जो है मनरेगा की जो हमारी सारी जो मांग पत्र आपके आ गए हैं हमारे पास, हमारी सरकार चलेगी वो मिड डे मील वर्कर्स के लिए चलेगी, आंगनवाड़ियों के लिए चलेगी, आशा वर्कर के लिए चलेगी, मनरेगा के मजदूरों के लिए चलेगी ये भी हम। और भाई खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? खिलाड़ियों का मान सम्मान पूरे देश में हमारे खिलाड़ियों का सम्मान ऊपर हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और पहली कैबिनेट में, कांग्रेस पार्टी के पहली कैबिनेट में प्रस्ताव, केंद्र में प्रस्ताव भेजेंगे पहली कैबिनेट में कि अग्निवीर योजना समाप्त करके फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू करी जाए फौज में, और फौज में अभी रेजिमेंट की गठन हो, ये लड़ाई जाएंगे। तो ये सारा, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ठीक चल रहा था? ये ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था, ये जो ठीक चल रहा था, जो ठीक चीज जो ठीक चल रही हो उसमें जो उसको और ज्यादा ठीक करने की कोशिश मत कर रहे भाई। देखो भाई प्रॉपर्टी आईडी का भी है, प्रॉपर्टी आईडी कह ही दिया, बहुत भारी प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है, तो बहुत सी ये समस्या है। मैं बधाई आपको एक और बात के देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव हुआ देश में, 28 प्रदेशों में चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा अगर विपक्ष का वोट, इंडिया गठबंधन का वोट अगर सबसे ज्यादा आया तो वो दक्षिण के तमिलनाडु में जहां स्टालिन मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन के, या कर्नाटक में जहां इंडिया कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री हैं, या केरल में, या तेलंगाना में जहां मेरे दोस्त रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, किसी और प्रदेश में, हिमाचल में जहां कांग्रेस सरकार है सुखू जी मुख्य, देश में 28 प्रदेशों में अगर सबसे ज्यादा विपक्ष को, कांग्रेस को वोट कहीं मिला
तो 47.6% वोट हरियाणा के अंदर मिला। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार बीजेपी की 80 सीटों पर बढ़त आई थी और कांग्रेस की 10 सीटों पर बढ़त आई थी लोकसभा चुनाव में, तभी इन्होंने नारा दिया था 75 बार। इस बार तो जिनकी 80 सीटों पर बढ़त आई थी वो तो इस बार कितनों पे कितने पे आ गए, 80 से लड़कर 44 पे कांग्रेस से पीछे चले गए। कांग्रेस 46 सीटों पे लोकसभा में बढ़त आई है। और जेजेपी भी एक पार्टी थी पिछली बार, जेजेपी भी पार्टी, जेजेपी की पार्टी क्या हुआ आपको पता है? पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हरियाणा में दो मुकाबले होंगे, एक तो कांग्रेस और बीजेपी का जिसमें कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है और बड़े बहुमत के साथ जो लोकसभा में जैसे हमने इनको हराया, एक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। लोकसभा में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते लेकिन ज्यादा मत प्रतिशत भी कांग्रेस को मिला, मैं आपको बधाई देता हूं, और ज्यादा सीटों पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली बीजेपी से। और भाई दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला और IMLD और नोटा का, नोटा का मुकाबला चल रहा है, नोटा आगे आएंगे कि आगे आएंगे। तो भाई ये ऐसे भी लोग आएंगे बीच में, ऐसे भी लोग आएंगे बीजेपी के इशारे पे राजनीति करने वाले लोग हैं, बीजेपी की बी टीम के लोग हैं, जो बीजेपी कहती है वही लोग वही ये लोग करते हैं। भाई ऐसे लोगों को कहने से जो है आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के इस चक्कर में मत आना। आप हरियाणा में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देना, कांग्रेस का हमारा संकल्प है हरियाणा को आगे लेके जाने का। मैं समझता हूँ आज पटौदी हल्के के सभी मैंने सारे लीडर्स को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई तो दी, लेकिन एक कसर रहेगी, थोड़ी कसर रहेगी, कसर रहेगी थोड़ी, भाई ये यात्रा जो है थोड़ी लंबी हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? चलने जितने चले उससे आपका भी जीनी भरा, हमारा भी जीनी भरा, मान ले कि नहीं मान ले? तो भाई जब सरकार बनेगी, जो धन्यवादी यात्रा करेंगे तो धन्यवादी यात्रा पटौदी से हली मंडी तक पूरी धन्यवादी यात्रा करेंगे, और उसमें भी साथ चलने के लिए तैयार है ना? ठीक है, उसमें क्या चलने तैयार होंगे? भाई आपको चुनौती दे दी आज पटौदी ने चुनौती दे दी आज, आज जो पटौदी के अंदर 10,000 आदमी साथ चला है कुलदीप, आपको चुनौती दे दी बागली से ऊपर पटौदी कांग्रेस को जिताने का काम करेगी, ये आज विश्वास दिला दिया लोगों ने। भाई पटौदी के लिए भाई ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि, पटौदी को 3 MLA मिलेंगे। देखो सही बात है पटौदी, देखिए ये हो सकता है, भाई देखो ये हो सकता है कि मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो, लेकिन पिछले 20 साल से भाई पटौदी में, हेली मंडी में और पूरे इलाके में भाई मैं 20 साल से निस्वार्थ, क्योंकि मेरा हल्का नहीं था, लेकिन मैं आपके बीच में सुख दुख में आया कि नहीं आया मैं आपके बिना? तो भाई ये मेरा इलाका है, ये मेरी कर्म भूमि है, जहां कोई आदमी अपनी पूरी जवानी निकाल दे उसी कर्म भूमि हो जाती है। तो भाई ये मेरी दक्षिण हरियाणा पटौदी मेरी कर्म भूमि है। इस बार मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि भाई इस बार आपका आशीर्वाद मिलेगा और यहां से कांग्रेस को आप जिताने का काम करोगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो सारे संकल्प हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और मैं भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा ना चैन से अगले। ये भी आपने एक बात कही है, ये भी एक बात है, देखो हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है उसको हम गठित करने का काम करेंगे, और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र के अंदर जो है वो उपयुक्त जगह होगी वहां पे हम इस पे आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र में एक हम जनरल बात ये रख रहे हैं, तो उसको उस बात को भी हमने टेकअप किया। और कोई बात रहेगी क्या भाई? अच्छा सुनो, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि भाई कोई बात रह भी गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका है, आप रात तक यहाँ बिठा लो, और सुनो रात तक यहाँ बिठा लो, यहाँ से चलने लगो रास्ते में रोक लेना, और भाई कोई जो है सरकार आ गई तो भाई आपको ये विश्वास होना चाहिए, सरकार आ गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका बच्चा है, आप कान पकड़ के काम करा सकते हो, मुझे आपको पता है। Come on, come on.
वो भी हमारा है, ये हमारा ये भी है कि हमारी जो जातिगत जनगणना है वो भी कराई जाएगी, ये भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। बाकी आपकी जो वो बात है वो आप मेरे को अलग से बताओ। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराना काम करेगी ताकि हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार हक मिले। ये हमारी केंद्रीय पार्टी ने भी केंद्रीय घोषणा पत्र में भी किया, हरियाणा में हम अलग से एक सरकार बनते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। ये आगे बात और कोई बात रहेगी बताओ भाई। अच्छा अभी एक बार मिल लेना अंकल, अंकल अभी आ गए नीचे आते मिल लेंगे। चलो जी आओ जी आ जी आ जी ठीक है।